हेलो एवरीवन, अभी हम लोग को वन ईयर कंप्लीट हो गया है ना। 7 फेब को हम चालू किए थे और वन ईयर कंप्लीट होने के बाद एक डिफरेंट फीलिंग है, तो इस फीलिंग को सोचे हम लोग कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आप ही लोगों के कारण ये सब कुछ हो पाया है। आप लोग इतना अप्रिसिएट किए, आप लोग का इतना अच्छा फीडबैक था, ये सब चीज़ें इतनी मोटिवेटिंग फॉर्म में चली पूरे वन ईयर कि एक अलग फीलिंग के साथ आज वन ईयर कंप्लीट होने के बाद हम फील कर पा रहे हैं। अगर मैं वन ईयर बैक अगर मैं जाऊं और अगर मैं बात करूं कि वन ईयर पहले हमारी किस टाइप से हम ऑनलाइन स्टार्ट किए थे, तो मेरे को याद है कि गेट का जस्ट पेपर हुआ था लास्ट टाइम और हम लोग उसके आफ्टर वन डे हम लोग एक वीडियो से स्टार्ट किए थे। जो गेट के जो क्वेश्चन आए थे 2017 में, हम सोचे कि चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते, कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते। न्यू प्लेटफॉर्म था ऑलरेडी 2004-05 से गेट एकेडमी है, बट ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए न्यू था। तो उस समय हम लोग के लिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का चैलेंजिंग था, क्योंकि कैमरे को फेस करना, ऑनलाइन के फॉर्म में जाना, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना, तो ये इतना आसान नहीं था स्टार्टिंग में। तो हम लोग को जस्ट लग रहा था कि कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे, किस टाइप से चीज़ें जाएगी, पता नहीं। ये सब चीज़ें हम लोग के माइंड में डिफरेंट वे से चल रहा था। फिर हम उसी समय सब कुछ स्टार्ट किया ऑनलाइन, फेसबुक का क्लोज ग्रुप भी उसी समय स्टार्ट किए, यूट्यूब में हम लोग वीडियो भी अपलोड करना चालू किए। तो सब कुछ न्यू था हम लोग के लिए, ठीक है। ऑलरेडी टीचिंग का आइडिया था, क्योंकि हम लोग सब लोग हमारे जो टीम है इतने सालों से पढ़ाई रही है, तो पूरी टीम के कारण ऐसा हो पाया। हम लोग की जो टीम है, आप देखते होंगे कि हम लोग की जो टीम बहुत ही अच्छे फॉर्म में पूरा ट्राई करती है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे फॉर्म में डिलीवर किया जाए, कंटेंट वाइज आपको बहुत ही बेस्ट दिया जाए। और इस वन ईयर में मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग है कि हम लोग 500 से ज़्यादा वीडियो दे चुके हैं अभी तक। तो 500 से ज़्यादा वीडियो दिए, इसका मतलब है कि 365 डेज में अगर हम बात करें तो डेली के वन वीडियो से ज़्यादा है, वन वीडियो से डेली के ज़्यादा हम लोग अपलोड किए। और लास्ट में तो हम लोग फ्रिक्वेंसी भी और बढ़ाए हैं। तो मेरे को लगता है कि ये एक हम लोगों के लिए एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग है, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या वैल्यू है। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, बट अभी जो फीलिंग है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, क्योंकि मैं जब पहले क्लासरूम में जब मैं पढ़ाता था तो मैं छत्तीसगढ़ वाले लोगों को पढ़ाता था, और कुछ लोग महाराष्ट्र से एक दो लोग आते थे या MP से एक दो लोग पढ़ने आते थे। तो ठीक है, जितने लोगों को मैं पढ़ाता था यहाँ पे जो भी फीडबैक मिलता था, बट अभी अभी पूरे इंडिया से जो फीडबैक पा रहा है वो डिफरेंट टाइप की फीलिंग है। कश्मीर से मैसेज आ रहे हैं, उड़ीसा से मैसेज आ रहे हैं, कलकत्ता से मैसेज आ रहे हैं, हैदराबाद से मैसेज आ रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप की फीलिंग है, जिसको मैं एकदम एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि ये क्या फीलिंग है। और आप लोग को इतना अच्छा लग रहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट लोगों को इतने अच्छे फॉर्म में लग रहा है कि हम लोग का जो कंटेंट्स है वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में। तो हम लोगों को भी लग रहा है कि ठीक है, इस बार तो मतलब कंपटीशन वाला जो पार्ट है पूरे इंडिया लेवल पे, वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में जाना चाहिए। इसलिए मैं डेली जब भी टीम से मीटिंग करता हूँ तो बार बार बात करते रहता हूँ कि सब लोग अपना बेस्ट दे, जितना बेस्ट दे सकते हो, जो भी आप पढ़ाते हो उसको और इम्प्रूव करें। तो हमारी जो टीम है वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में प्रोवाइड करती है। आप देख रहे होंगे कि हम लोग की जो एडिटर जो टीम है वो भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में वर्कआउट करती है। आप देखते होंगे कि जो वीडियोस की जो क्वालिटी है वो भी सब अच्छे फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग की जो ओवरऑल टीम है ना, वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में, मतलब ऐसे फैमिली सब लोग वर्कआउट करते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि लोग 5 to 6 hours काम किए उसके बाद फिर निकल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। सब लोग जितना भी टाइम दे सकते हैं उतना टाइम सब लोग देते हैं। फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो वो फैकल्टी लोग भी अपने वीडियो की प्रिपरेशन बहुत अच्छे फॉर्म में करते हैं, क्लियर। तो अगर मैं बात करूँ हम लोग का जो ऑपरेटर जोन रहता है, आप देखते होंगे कि जो हम लोग जो टेक्स्ट भी जो प्रोवाइड करते, जो फॉर्मेट वगैरह देते, उसके लिए भी सब अच्छे फॉर्म में रेडी करते हैं। तो एक ऐसे टीम एफर्ट जो है वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में जा रहा है, और मेरे को अच्छा फीलिंग आ रहा है कि ये अगर ये ऐसे ही चलते रहा तो एक इंडिया में एक अलग टाइप का एक इवोल्यूशन होगा आपके पास, कि डिफरेंट टाइप की फीलिंग लोग देखेंगे कि एक कंटेंट का कितना एक स्टैंडर्ड हो सकता है। तो अच्छी बात है कि अगर सब लोग ऐसे ले रहे हैं इन चीज़ों को। इवन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने जो डिफरेंट कोचिंग जो पूरे इंडिया में जितनी भी कोचिंग है, जहाँ पर भी लोग कोचिंग कर रहे हैं, उनका जब फीडबैक आ रहा है तो बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन का माहौल हो गया है। कोई कंटेंट्स अगर किसी को लगता है कि यहाँ पर और इम्प्रूव होना चाहिए या किसी कंटेंट में प्रॉब्लम है, तो हम लोग और भी ट्राई करते हैं कि उस कंटेंट को अच्छे फॉर्म में दे सके। तो अभी अगर हम बात करें कि अभी आने वाले समय में हम क्या प्लान कर रहे हैं, तो अभी हम लोग का प्लानिंग का पार्ट है कि 2018 स्टार्ट हो चुका है, और इवन अभी आप लोग का गेट का पूरा एग्जाम भी चल रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि अभी आप लोगों का गेट का जो पेपर है, कुछ लोग के 10th को पेपर होने वाले हैं, कुछ लोग के अभी पेपर स्टार्ट भी हो गए, 3rd से पेपर स्टार्ट हो चुका है। तो पूरा का पूरा अभी तो पेपर वाला माहौल चल रहा है 2018 गेट का।
इसके बाद हम और भी प्लान कर रहे हैं कि 2018 में क्या चीज़ें न्यू फॉर्म में आए करके। तो आप देखोगे कि अभी हम आपको जल्दी कुछ कुछ अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, तो आपके लिए कुछ प्रोडक्ट लेके आएंगे हम लोग अच्छे फॉर्म में, जो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग देगा। तो हम चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया के स्टूडेंट को हम कनेक्ट कर सके, जितने स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छे फॉर्म में कनेक्ट कर सके, जितने अच्छी आपको सर्विस दे सके, चाहे वो कंटेंट वाइज हो चाहे वो वीडियो वाइज हो, हर रिस्पेक्ट में आपको अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप बस आप बिल्कुल मेंटेन कीजिएगा, जो हम लोगों के साथ आपका ऐसा रिलेशन बन गया, ऐसा फैमिली वाला रिलेशन बन गया, उसको मेंटेन कीजिएगा। बस मेरा इतना ही आप लोगों से बोलना है कि हम लोगों को बस इतना चाहिए कि आप लोग इस चीज़ को इतना अच्छे से शेयर करें। अगर आप ऐसा फील करते हैं, ऐसा बिलीव करते हैं कि ये जो कंटेंट्स है ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर लग रहा है, जिस फॉर्म में आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर इस चीज़ को आप जितना शेयर करेंगे तो ऐसे गेट अ गेटिंग फैमिली बहुत स्ट्रांग होगी, तो हम लोगों का रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग होगा, जितनी सारी चीज़ें इंडिया में स्प्रेड होगी। तो सब लोगों को लगना चाहिए कि सब लोगों को अच्छे फॉर्म में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कोचिंग वाले 30-40 आवर्स में प्रोवाइड करें, तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे फॉर्म में चीज़ें जाए। ठीक है, और मैं तो हमेशा इन जनरली आप लोगों से बात करते रहता हूँ, डिफरेंट आपके पास मैं वीडियोज़ के थ्रू आपके हमेशा आपसे कनेक्ट भी रहता हूँ, तो डिफरेंट हमेशा मैं बात करते रहता हूँ। अभी ये था कि 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, और एक मतलब ऐसी फीलिंग जो मैं कभी नहीं सोचा था, यूट्यूब में जब हम लोग आए थे तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचा था। इवन मैं आपको बताऊँ कि जब मैं यूट्यूब में जब हम लोग का पहला वीडियो जब आया था, साकेत वर्मा का फर्स्ट वीडियो था, गेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो उस समय जब मैं लोगों को देखता था, हमारा जब मुश्किल से जब 30-40 सब्सक्राइबर होंगे, तब मैं लोगों को देखता था, ऐसे लोगों को देखता था जिन लोगों के 5000 सब्सक्राइबर है, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट से देखता था कि इनके 5000 सब्सक्राइबर है, तो मेरे को लगता था कि 5000 सब्सक्राइबर कैसे हो पाएंगे, क्योंकि 2-3 डे सब्सक्राइबर बढ़ते जाते थे, 1 डे में 5 सब्सक्राइबर 6 सब्सक्राइबर, तो स्टार्टिंग में ऐसे सब्सक्राइबर भी नहीं आते थे, तो मेरे को लगता था कि बहुत बड़ी बात है कि 10000 सब्सक्राइबर को क्रॉस करना। तो अगर मैं बात करूँ तो जो मैं जो एक बनाया था, एक सोचा था कि 1 ईयर के अंदर क्या हमारा एक एम होना चाहिए, जब स्टार्टिंग की बात है, तो मैं सोचा था कि लगभग 10000 को तो क्रॉस करना चाहिए, 10000 वाला प्लानिंग मेरे माइंड में था कि 10000, क्योंकि जितने लोग के 10000 थे मैं उनको बहुत अलग टाइप से देखता था कि वो लोग बहुत ही अच्छे यूट्यूब में टेक्निकल बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छे से डील कर रहे, तो मेरे को लगता था कि 10000 से ज़्यादा तो करने की बनती है ना, एक अच्छी फीलिंग आएगी। फिर जैसे जैसे समय निकलते गया और लोग इतने अच्छे फॉर्म में एडअप होते गए, लोग इतना अच्छा फीडबैक देते गए, सब्सक्राइबर जिस वे में बढ़े, तो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। आज अगर 85000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो ये बिल्कुल ये इमेजिन तो हम लोग किए ही नहीं थे कि गेट वाले चैनल में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर कभी आ सकते हैं, ये हम लोग कभी इमेजिन नहीं किए थे, क्योंकि मेरे को पता है कि इंटरटेन वाले में नो डाउट सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये तो एकदम कंटेंट वाला पार्ट है ना, उसमें भी स्पेसिफिक लोग हैं कि इंजीनियर में से जिनको गेट करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम देना है, सिर्फ उन्हीं लोगों को इसमें सब्सक्राइब करते होंगे मैक्सिमम लोग, तो इसमें स्पेसिफाइड है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पब्लिक है, वो स्पेसिफाइड है, तो आसान नहीं होता है, बट फिर भी लोग इतना बिलीव कर रहे, तो हमारे ऊपर डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जा रही है कि हम लोग और कितने अच्छे फॉर्म में दें, और आपको इतना अच्छा कनेक्ट कैसे करें, ऐसा क्या चीज़ हो कि पूरे इंडिया में एक एजुकेशन का जो लेवल, जैसे मैं पहले भी वीडियो में बोला हूँ कि एक एजुकेशन का जो लेवल है बहुत ही अच्छे फॉर्म में आए, और पूरे इंडिया के स्टूडेंट को कनेक्ट कर सके। तो हम लोग हमेशा फीडबैक भी लेते रहते बीच बीच में कि पूरे स्टूडेंट लोगों से हम फीडबैक लेते रहे कि हम कैसे और कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो 2018 में हम और भी प्लान करेंगे कि पूरे स्टूडेंट को, जितने मैक्सिमम पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर हम एक अच्छी सर्विस दे सके, और हमारे कारण अगर बहुत सारे लोगों को अगर एडवांटेज होता है, जो कहीं पे कोचिंग नहीं कर पाते, या जिस एरिया में बी कर रहे हैं वहाँ पे कुछ इस टाइप की फैसिलिटी नहीं है, क्लियर, जो कंटेंट वाइज जो फील करते हैं कि वो वीक है, या उनके कॉलेज का जो माहौल है वो उस वे में नहीं है कि उनको चीज़ें उतने अच्छे फॉर्म में मिल रही है, उन सब लोगों को कनेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए मेरे को नीड है ऐसे फैमिली की, आप लोग सपोर्ट करें। अगर आप पूरे सपोर्ट में आ जाएंगे, अगर सोशल मीडिया में अगर आपका पूरा सपोर्ट होगा, और वो भी मतलब बायस वे में नहीं चाहिए, एकदम अनबायस वे में चाहिए, बायस वे में नहीं चाहिए कि हम आपको वीडियोस दे रहे हैं तो आपको अच्छा फील आ रहा है तो आप लिख रहे, नहीं, एकदम अनबायस वे में आपको लग रहा है कि ये चीज़ अच्छी है तो बिल्कुल आप अच्छा बोलिए, कुछ कंटेंट अगर वीक लगता है तो आप बोलिए कि कंटेंट वीक है, मतलब अनबायस वे में चलेगा। उससे होगा क्या कि उससे अगर कोई भी अगर हमारा किसी टीचर का अगर कोई कंटेंट थोड़ा एवरेज चला गया, तो मैं बहुत केयर करता हूं कि चीज़ें बहुत बेस्ट फॉर्म में जाना चाहिए। मैं हर 2-3 डेज में मीटिंग लेता हूं, हम लोग क्लासरूम में भी इतना बहुत वर्कआउट करते हैं कि लोगों को बहुत ही अच्छा कंटेंट मिले, उसमें कुछ भी कमी ना रहे, मतलब उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमको एनी हाउ वीडियो प्रोवाइड करना है, हमको लगता है कि जो भी वीडियो प्रोवाइड कर रहे वो बहुत बेस्ट हो आपके पास। तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़े से वीडियो लेट भी हो जाते हैं, जैसे देख रहे होंगे कि मेरे वीडियोज़ भी थोड़े से लेट हुए, तो अभी मैं जस्ट अभी देखे होंगे क्या मैं क्लेम्पर सर्किट के दिया, तो टाइम नहीं मिल रहा था इतने दिन से, तो मैं सोचा कि जब भी मौका मिलेगा आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूँ। तो अभी हमारी टीम पूरा प्लान कर रही है कि आपको अच्छा
अवॉइड करें और हम इस सिचुएशंस को इतना अच्छे से हैंडल करें कि आपको ऐसा लगे कि हम लोगों के लिए कोई कुछ कर रहा है करके। तो बस मेरा मेरा आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको इसको एक अलग फॉर्म से लें, इसको ऐसे फैमिली टाइप अगर आप लेते हो तो इसको एक अच्छे फॉर्म में प्रोपेगेट करिए, इतना अच्छा इंडिया में स्प्रेड हो कि सबको पता चले कि ये क्वालिटी होती है कंटेंट्स की, ये क्वालिटी। तो और आप अपने प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से इन चीज़ों को इम्प्रूव करें। डे बाई डे हम ट्राई करेंगे कि आपको गेट का जो लेवल है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का लेवल है, उसको बहुत अच्छे से मैच कर सके, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रोजेक्ट है 2018 में, और मैं बोला भी हूँ कि हम लोग प्रोडक्ट के बारे में सोच भी रहे कि आपको और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारे माइंड सेटअप में पहले कोई भी चीज़ नहीं थी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ में मैं बहुत सारे अनाउंसमेंट करूँगा, तो तब तक आप वेट कीजिएगा। यूट्यूब में अनाउंसमेंट करूँगा मैं कि हम लोग क्या इंडिया के स्टूडेंट को, अगर हम चाहते हैं कि पूरे लोगों के लिए कुछ एक अच्छा प्लान कर सके, तो क्या बेस्ट प्लान कर सकते हैं, वो प्लानिंग का पार्ट होगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। बस यही है कि आप अच्छा एफर्ट कीजिए, आप जितना बेस्ट दे सकते हैं बेस्ट दीजिए, और इस चैनल से जितनी जितना एडवांटेज ले सकते हैं एडवांटेज लीजिए, अपने जूनियर लोगों को प्रोपेगेट कीजिए। अगर कोई जूनियर थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, और अगर वो एडवांटेज ले सकता है इन चीज़ों का, कंटेंट का, तो अगर वो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट अगर इन कंटेंट्स का एडवांटेज लेगा, तो वो अपने आप को बहुत इंप्रूव कर पाएगा और वो हमसे कनेक्ट हो पाएगा, चीज़ों को पहले से समझता होगा कि किस फॉर्म में चीज़ें जा सकती है, ठीक है। तो हमको चाहिए कि ऐसे फैमिली हम बहुत अच्छे से चीज़ों को लेके चले और एक इंडिया लेवल में जो एक माहौल बना है उसको बहुत ही अच्छे से कैरी कर सके, ठीक है। तो आप लोगों का जो अप्रिसिएशन है और जो फीडबैक है वो सुपर्व है। ऐसा ऐसा मैं कभी भी इमेजिन नहीं किया था, कभी ड्रीम में भी नहीं देखा था कि ऐसा कुछ हो सकता है यूट्यूब में कि 1 ईयर कंप्लीट होते होते 85,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाए, 6.5 मिलियन से लगभग ज़्यादा व्यूज हो चुके। तो ये आसान नहीं था, क्योंकि मेरे लिए न्यू था, मैं यूट्यूब को इतना ज़्यादा पहले से यूज भी नहीं करता था, बहुत ही कम कुछ चैनल्स यूट्यूब के चैनल्स में सब्सक्राइब किया होगा, मतलब इवन आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं कभी किसी का चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया था। अगर 2016 में हम लोग अगर स्टार्ट किए, आपके पास 2017 में स्टार्ट किए, फरवरी में 7 फेब को स्टार्ट किए, तो 2017 फेब की अगर मैं बात करूं, उसके पहले अगर मैं सोचूं कि मैं कौन से चैनल को सब्सक्राइब किया था, तो मुझे याद भी नहीं कि मैं किसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा। कभी अगर किसी का कंटेंट देख लिया उसके बाद वापस आ जाता था, तो मैं सब्सक्राइब वाले मोड में भी नहीं जाता था। तो आप सोचिए कि मतलब ऑनलाइन वाले फॉर्म में हम लोग का कुछ भी पार्ट नहीं था और मेरा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता था, ठीक है। मैं अभी जब ऑनलाइन आया तब मैं देखा कि किन किन के वीडियोस आते हैं, कौन कौन लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कितने अच्छे से स्ट्रांगली हैंडल करते, ऑनलाइन का स्टाइल क्या है। तो अभी हम डे बाय डे और भी लर्न, मतलब डे बाय डे लर्न करते जा रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे अच्छे से इम्प्रूव करें हम, और भी अच्छे अच्छे वे से आपके लिए लेके आए चीज़ों को। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो मैं अपनी टीम को, जो अपनी टीम है पूरी, हम लोग की जो गेट अकेडमी फैमिली की जो टीम है, पूरे जो फैकल्टी की जो टीम है, जो पूरे हम लोग की एडिटर की जो टीम है, उन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो लोग जिस डेडिकेशन के साथ जो एफर्ट किए, वो एफर्ट काबिले तारीफ है। इतना एफर्ट कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बाकी जितने लोग मेरे से मिलते हैं, वो जब हमसे मिलते हैं, तो मेरे को लगता है कि वो फील करते हैं कि आपकी जो टीम है वैसी टीम किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। हमारी टीम में इतने ज़्यादा लोग भी नहीं है, मतलब नंबर साहब अगर मैं बोलूँ फैकल्टीज और ये सब है, 15-20 लोग की जो हमारी टीम होगी इस इन टर्म्स में, तो वो जो टीम है आपके पास वो पूरी डेडिकेटेड टीम है। तो मैं लकी हूं कि ऐसी टीम मेरे पास है जो किसी के पास भी नहीं है। तो हम इस बार और भी ट्राई करेंगे कि और भी अच्छे फॉर्म में हम चीज़ों को कैरी करें, और अगर मैं चाहता हूं कि इंडिया लेवल पे अगर हम चीज़ें जा रहे हैं, तो अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल वो हमसे जुड़े। अगर आप बिलीव करते हो कि टीचिंग में आप इंजॉय करते हो और आपको अगर हमसे जुड़ना है, तो मैं बिल्कुल अपील करूंगा आप लोगों से कि जिनको भी लगता है कि हमसे अब जुड़ना है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अगर टीचिंग इंजॉय करते हो तो बिल्कुल आप हमारे साथ आइए, हम लोग मिलके और भी अच्छा चीज़ें करेंगे, और अच्छा केयर करेंगे, और स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, और एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूव करना है, और भी कंटेंट्स को हमको लोगों को प्रोवाइड करना, तो आप हम लोगों के साथ जुड़िए। जितना बेस्ट हो पाएगा उतना मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन हम एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारा वर्कआउट करेंगे। सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि चीज़ें बहुत अच्छे फॉर्म में जा रही है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि एजुकेशन वाला जो पार्ट है इंडिया में डे बाय डे डाउन होते जा रहा है। तो अभी हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मैं इतना रिस्पेक्ट और हर रिस्पेक्ट में जो चीज़ें मेरे को मिली है इस फील्ड से, तो मैं उसको देना भी चाहता हूँ। तो अभी जो इंजीनियरिंग का पार्ट जो थोड़ा सा डाउन होते जा रहा है, जो थोड़ा सा गिरते जा रहा है, तो मेरे को लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारे जो जितने भी एजुकेशनिस्ट होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस सब लोग आए और इस चीज़ को थोड़ा सा और इम्प्रूव करें जितना हो सकता है। ये चीज़ें डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि इंजीनियरिंग के बिना कुछ भी
चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंजीनियरिंग का अल्टरनेटिव आ जाए, तो इंजीनियरिंग का अल्टरनेटिव नहीं आ सकता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा समय ऐसा चल रहा है तो थोड़ा सा चीज़ें डाउन जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी को बिल्कुल अलर्ट करें, सोसाइटी को बताए, प्रॉपर वे में बताए कि क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें सही है, स्टूडेंट लोग को मोटिवेट करें, तो जिससे कि स्टूडेंट लोग मैक्सिमम अपना एफर्ट कर सके, सोसाइटी को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। तो हम चाहते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन में जितना जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी हमारी टीम कर सकती है, वो सब लोग अपना बेस्ट दे रहे। क्लियर? फिर मैं सोशल वाली चीज़ों को भी देखूंगा कि और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं से जितनी भी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ और ऐसे टीम, तो मैं उतना ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के लिए उतना प्रोवाइड कर सके, है ना। हमारी टीम बिल्कुल टाइम वाइम का कुछ भी केयर नहीं करती, मतलब जितना हो सकता है उतना टाइम आपके लिए निकालती है। मैं इवन मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास भी टाइम का कई बार थोड़ा सा शॉर्टेज हो जाता है, तो भी मैं एनी हाउ मेरे को लगता है कि नहीं कुछ दिन हो गए कुछ रिकॉर्ड करना है, तो फिर मैं आ जाता हूँ फिर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड के लिए, तो फिर मैं रिकॉर्ड करके फिर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो इस बार और भी मैं कुछ कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा 2018 में, और भी प्लानिंग का पार्ट है क्योंकि मेरे को समझ आना चालू हुआ है कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो 2018 में और भी प्लानिंग के साथ आएंगे कि आपकी बेसिक बेसिक प्रॉब्लम को समझ सके, एक एवरेज स्टूडेंट की फीलिंग को और भी समझ सके। क्लियर? जो आपके पास नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो लोगों को प्रिपरेशन में प्रॉब्लम जाती है, जो सही में किन प्रॉब्लम के साथ वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम को समझने का ट्राई करेंगे, तो इन सब चीज़ों के साथ अच्छा कैरी करेंगे। तो 2018 आई विश कि हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो, आप लोगों का अप्रिसिएशन और मिलते रहे, है ना। हो सकता है कि कभी कभी एक दो बार ऐसी हो जाए कि जो नॉन टेक्निकल कुछ बात करूँ और आप मेरी बातों से एग्री ना करते हो, ऐसा कभी कभी हो भी सकता है कुछ एक दो पॉइंट्स में कि मेरी बातों से आप एग्री नहीं करते, तो बिल्कुल आप कमेंट्स में आप लिखते ही हो तो मैं उस चीज़ का केयर करता हूँ। क्लियर? तो मैं अपोज नहीं करता हूँ, आप अगर मेरी कुछ चीज़ों से कभी कभी एग्री नहीं किए, क्योंकि मैं जब अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूँ कि रिलेटेड टू टेक्निकल कुछ इशू की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं आपकी बातों को ध्यान से सुनता हूँ, केयर करता हूँ, उसमें अपोज नहीं करता हूँ कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप अपनी बात को रखने के लिए फ्री हो बिल्कुल। तो और भी हम ट्राई करेंगे कि किस वे में अच्छा दे सके आपको। ठीक है, तो आप ऐसे जुड़िए, आप ऐसे हम लोग को अप्रिशिएट करते रहिए, ऐसे फैमिली हम लोग पूरे ऐसे टीम के साथ इम्प्रूव करेंगे एक इंडिया लेवल में। 2019 जब नेक्स्ट सेवन फेब आप जब आएगा, तो फिर एक अलग लेवल में हम लोग इसको इंजॉय करेंगे इस चीज़ को, जब 2 ईयर्स कंप्लीट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये 2 ईयर्स कंप्लीट हो तो एक डिफरेंट, एक जितना अगर 1 ईयर में अगर हम 85,000 तक अगर पहुँचे, 85 के सब्सक्राइबर अगर है आपके पास, तो 2000 का हम लोग का 7 फेब का हम लोग का प्रोजेक्ट होना चाहिए कि कम से कम 3 लाख सब्सक्राइबर मिनिमम हम लोग के चैनल में होना चाहिए। अगर हम कंटेंट इस वे में प्रोवाइड कर रहे हो और आप अगर हम लोग को अप्रिसिएट कर रहे हो, और अगर ऐसे फैमिली हम अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, और अगर आप स्प्रेड करेंगे सब चीज़ों को, टेक्निकली सब चीज़ें हर जगह स्प्रेड होगी, तो हमको भी मजा आएगा, हम भी पूरा एफर्ट करके आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं इन जनरल तो जब भी चालू करता हूँ बोलना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना, कंटिन्यूसली जब बात करते रहता हूँ तो टाइम का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो फिर भी ये 1 ईयर की बात थी कि 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, तो आप सभी टीचर लोगों को प्रॉपर फीडबैक दीजिए, जिस भी आप लोगों को जब भी कंटेंट्स कुछ अच्छा लगता है, आप किसी टीचर को अप्रिसिएट करते हो तो उसको अच्छी फीलिंग आती है ना। तो आप हमेशा ऐसा कीजिए, ऐसा हर जगह आपको करना है, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे आपकी कोई कोचिंग हो, चाहे फिर आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है आप लोगों को अप्रिसिएट करो, जिनको भी आप अप्रिसिएट करते हो उनकी फीलिंग बहुत अच्छी आती है, अगले बार हो सकता है आपको और भी अच्छा प्रोवाइड करे, और जहाँ पर कुछ कमी लगती है वहाँ पर भी आप बिल्कुल बोलिए, पोस्ट करते रहिए, तो आपकी इन सब चीज़ों के साथ फिर हम लोग चीज़ों का और भी केयर करेंगे। ठीक है, तो अब 2018 की न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले है ना आपके साथ, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि जो सब्सक्राइबर है, अब न्यू सब्सक्राइबर बहुत सारे लोग आएंगे, कई लोग का जो 2018 में गेट का एग्जाम हो गया हो सकता है वो चले जाएंगे, कई लोग अच्छा परफॉर्म करके निकल जाएंगे, तो बहुत सारे फैमिली में नए मेंबर ऐड होने वाले, डे बाय डे लोग आते जाएंगे, तो हम ट्राई करेंगे आपके पास कि जितने लोग भी ऐडअप होते जा रहे हैं उनको अच्छे वे में प्रोवाइड कर सके और कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये 2018 का यही विजन रहेगा कि एक टेक्निकल जो बैकग्राउंड है, जो हम स्टार्ट किए जिस प्लानिंग के साथ, थोड़ी सी प्लानिंग के साथ जो मैं स्टार्ट किया था, उसको और भी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। क्लियर? और सब लोग देख सके कि टेक्निकल एजुकेशन को इतना अच्छा इंप्रूव फॉर्म में ले जाया जा सकता है, सोसाइटी के लिए जितना वर्कआउट कर सकते हैं हम लोग करेंगे, और स्पेशली इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि मैं इंजीनियर्स की फीलिंग ही समझता हूँ, बाकी लोगों की फीलिंग का उतना आइडिया नहीं रहता, मैं सिर्फ इंजीनियर की फीलिंग को जानता हूँ, तो मैं उनके लिए ट्राई करते रहता हूँ कि क्या हो सकता है करके। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आप लोग के अप्रिसिएशन और फीडबैक के लिए, और ये जर्नी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।